नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण पवार स्वागत करता हूँ आपका हमारे भूषण बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी हम कैसे ले सकते हैं, नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी लेने के बाद हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वहाँ से हम कितने पैसे कमा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल्स आइसक्रीम के बारे में ज़रा बता देता हूँ। नेचुरल्स आइसक्रीम जो है जो अपने यूनिक टेस्ट की वजह से फेमस है दोस्तों, अपनी यूनिक फ्लेवर्स की वजह से जो है फेमस है दोस्तों। नेचुरल्स आइसक्रीम के जैसे नाम में ही हमें समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा नेचुरली होता है। नेचुरल्स आइसक्रीम के जो है 140 से ज़्यादा आउटलेट्स हमारे इंडिया के 40 से ज़्यादा सिटीज़ में है दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं कि नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो कितनी होती है। तो दोस्तों नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो आता है, कॉस्ट जो आता है, वो करीब करीब 9 लाख से 10 लाख तक आ जाता है दोस्तों। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि किस तरह से डिवाइडेशन होता है हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों 2 लाख रुपए यहाँ पे लगते हैं मशीनरी के लिए दोस्तों, 1 लाख रुपए लगता है दोस्तों फ्रेंचाइजी फीस के लिए, 3.5 लाख रुपए लगते हैं दोस्तों इंटीरियर के लिए, 1 लाख रुपया लगता है दोस्तों फर्नीचर के लिए, और अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए जो लगता है दोस्तों 1.5 लाख रुपये लगते हैं। ऐसे अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो हमारा टोटल हो जाता है दोस्तों 9 लाख रुपया। तो इस तरह से हमें जो है टोटल पूरा का पूरा कॉस्ट आता है दोस्तों फ्रेंचाइजी लेने के लिए, वो आता है दोस्तों 9 लाख के करीब करीब आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुई इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम जानते हैं कि अगर हम नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हमें उसमें प्रॉफिट कितना होगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो थोड़ा सा स्टडी करने के बाद हमें पता चला है दोस्तों नेचुरल्स आइसक्रीम का जो प्रॉफिट होता है दोस्तों वो वैरी होता है दोस्तों 35% से लेके 55% तक होता है दोस्तों। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर जो होता है अलग अलग मार्जिन होता है दोस्तों, लेकिन आप एवरेज पकड़ के चलोगे तो 35% से लेके 55% तक आपको जो है मार्जिन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। और नेचुरल्स आइसक्रीम अपने आप में बड़ा ब्रांड है तो आप इससे काफ़ी अच्छा सेल्स भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं कि अभी नेचुरल्स आइसक्रीम लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, आपको अगर नेचुरल्स आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी लेने हैं तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है naturalsicecream.in की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा दोस्तों। naturalsicecream.in की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको फ्रेंचाइजी इंक्वायरी के सेक्शन में फ्रेंचाइजी का एक फॉर्म आता है, पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है नेचुरल्स आइसक्रीम्स वाले आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी की डील होगी दोस्तों। साथ ही साथ वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए वहाँ पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते। तो दोस्तों ये थी नेचुरल्स आइसक्रीम फ्रेंचाइजी की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए।